दुनिया भर के देश अपने दुश्मन देशों से मुकाबला करने के लिए तकनीक को एडवांस बना रहे हैं। अब वो जमाना गया जब आमने सामने का दमखम मायने रखता था। आज तकनीक के जरिए भी कोई भी देश अपने दुश्मन देशों को धूल चटा सकता है। इसराइल इसका सबसे सटीक उदाहरण है। चारों ओर से अपने प्रतिद्वंदियों से घिरने के बावजूद तकनीक के दम पर इस देश ने अपना दम दिखाया। भारत भी अपने दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए तकनीक पर जोर दे रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के वैज्ञानिक खास चूहे बना रहे हैं जो दुश्मनों की खुफिया निगरानी कर सकेंगे। इन्हें रेट साइबोर्ग कहा गया है, जिनका उपयोग सैन्य बलों के अभियानों के दौरान भी किया जा सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इंडियन साइंस कांग्रेस में इसकी जानकारी दी गई है। DRDO यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी DYSL के निदेशक पी शिव प्रसाद ने बताया कि विदेशों में कुछ जगहों पर ये तकनीक पहले से मौजूद है। भारत में ऐसी तकनीक पहली बार विकसित की गई है। रेड साइबोक्स के सिर पर एक कैमरा लगा होगा जो चूहे के मस्तिष्क में लगे इलेक्ट्रोड से संकेत प्राप्त कर सकता है। इस तकनीक की मदद से दुश्मन के सैन्य ठिकानों की खुफिया निगरानी में मदद मिलेगी। पी शिव प्रसाद की माने तो इस प्रोजेक्ट के पहले दौर पर परीक्षण पूरा कर लिया गया है, जिसमें चूहों को ऑपरेटर की मदद से निर्देश देकर कंट्रोल किया जाएगा। दूसरे चरण में वैज्ञानिकों को रेड साइबोर्ग के सिर पर लगे कैमरों के जरिए इमेजेस मिल सकेंगी। इस तकनीक का इस्तेमाल दुश्मन देशों से होने वाले हमले के दौरान किया जा सकता है। मसलन 26/11 जैसे आतंकी हमले की स्थिति में रेड साइबोर्ग को इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे हमलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान की जरूरत होती है, तब रेड साइबोर्ग अपनी क्षमता दिखा सकते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो रेड साइबोर्ग किसी भी बिल्डिंग में घुसकर दीवारों पर चढ़कर अंदर की तस्वीरें भेज सकते हैं। चूहे संकरे रास्तों से गुजरते हुए हर उस जगह का ब्यौरा भेज सकते हैं जहां आतंकी मौजूद हों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।